Dear children, let's study going today chapter 5 addition and subtraction. ठीक है, तो यहाँ पर हम पिछले चैप्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं अप टू 999. यहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को थ्री डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट के बारे में यहाँ पर देखेंगे. जैसे कि एडिशन, एडिशन किसको बोलते हैं पहले कक्षा में हम बता चुके हैं. जैसे कि एडिशन किसी दो नंबर को ऐड करना है ना. जैसे कि आपके पास 5 चॉकलेट है, आपके फ्रेंड के पास 3 चॉकलेट है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चॉकलेट. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वही क्या कहलाएगा, एडिशन. ठीक है, और सब्ट्रैक्शन किसको बोलेंगे. सब्ट्रैक्शन में जैसे कि आपके पास 5 चॉकलेट है ना, 5 चॉकलेट में आप 2 चॉकलेट को आपके फ्रेंड को देंगे, है ना. तो आपके पास लेफ्ट कितना हो, कितने बचे आपके पास, 3. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. देखिए यहाँ पर दिया गया है 10 पोजीशन में दिया गया है, ये 1 पोजीशन में, ये 2 डिजिट नंबर से है 25 और ये है 61. यहाँ पर दिस इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को आपके ऐड करना है. तो सबसे पहले हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ पर जो 25 है ना, और 61 है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये 25 जो है एडेड कहलाएगा, है ना. और यहाँ पर 61 भी क्या कहलाएगा, एडेड. उसके बाद जब हम इसको 51 और 1, ये 1 पोजीशन में है ना, ये 10 पोजीशन में है, तो 51 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6. और 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8. तो यहाँ पर 25 और 61 क्या कहलाएगा, एडेड, ये भी एडेड. और यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ना, इसको जब हम ऐड किए तो ये रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट को क्या कहते हैं, सम. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 पोजीशन में, यहाँ पर सॉरी 1 पोजीशन में यहाँ पर 51 और 1 है, तो 61 हो जाएगा ये. यहाँ पर 210 है और 610 कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा. इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड में देखिए 31 और यहाँ पर 0, मतलब कुछ भी नहीं, तो 31 और 61 और 31 कितना हो जाएगा, 91. 210, 110 और 5, यहाँ पर 210 और 110 कितना हो जाएगा, 310 हुआ. और उसके बाद 3 और 510 कितना हुआ, 810. ठीक है, तो कितना है ये, 89. इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 221 और 3151 है ना, 310 और 610 कितना 10 हुआ, 19. यहाँ पर 100. ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एडिशन विथ रीग्रुपिंग में देखिए, एडिशन विथ रीग्रुपिंग कैसा है, 81 और यहाँ पर 41 है, तो 81 और 41 कितना 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो 81 है ना, और यहाँ पर 21 इक्वल टू सॉरी 41 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो 12 का हम यहाँ पर 2 लिखेंगे. ठीक है, और ये 1 जो है यहाँ पर क्या जाएगा, कैरी ओवर जाएगा, और ये 1 जो है इसके साथ जुड़ेगा, 10 पोजीशन में चला जाएगा. तो यहाँ पर 110 और 110 210 होगा, और 210 और 710 कितना होगा, 19. इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 191 है, और 71 कितना हो जाएगा, 91 और 71 कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा. 16 और 2 कितना 1 हो जाएगा, 181. तो 18 है ना, तो 18 हम यहाँ पर 8 लिखे, और ये 1 जो है कहाँ चला गया, यहाँ 10 भी चला गया, कैरी हुआ. उसके बाद 110 और 310 110 और 210 310 और 4 कितना हो गया, 17. 7 और 110 कितना हो गया, 810. ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है. 671 और 91 कितना हो गया, 15 हो गया, 151 हो गया. तो 15 है ना, 15 को हम 5 लिखे और 1 जो है यहाँ चला गया, तो 110, 710, 810 और 119, यहाँ पर 100. उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सब्ट्रैक्शन विदाउट ग्रुपिंग. तो सब्ट्रैक्शन में देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताई थी कि सब्ट्रैक्शन क्या है. सब्ट्रैक्शन में होता है घटाना, जैसे घटाओ नंबर को क्या करना है ना,
जैसे कि यहाँ पर देखिए 45 और ये है 13, यानी कि 45 में आपको 13 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर जो 45 है वो क्या कहलाएगा, मैन्योर, है ना। और यहाँ पर जो 13 है, मतलब 45 में हम 13 को माइनस करेंगे तो 13 जो है क्या कहलाता है, सबट्रैक्ट, ठीक है। ये 45 क्या है, मैन्योर है, और इसको क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट। और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 32 रिजल्ट आया तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस। दोनों के बीच में यहाँ पर 55 में हम यहाँ पर 30 को माइनस किए तो क्या डिफरेंस आया, 32। तो देखिए कैसे डिफरेंस कर यहाँ पर माइनस करते हैं, कि जो यहाँ पर 1 पोजीशंस को पहले करेंगे उसके बाद 10 पोजीशंस को। तो यहाँ पर 51 में हम 31 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जैसे आपके पास 5 चॉकलेट है तो 3 चॉकलेट जो आप अपनी फ्रेंड को दे दिए तो आपके पास कितना बचा, 2 चॉकलेट। यहाँ पर 410 में 10 पोजीशन है ये, तो 410 में हम 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 310। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 में आप 2 को माइनस करोगे तो 2, है ना। 610 में 210 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर 100, है ना। 1 में कुछ नहीं घटाना है तो यहाँ पर 100 ही बचेगा। उसके बाद 9 में 9 तो माइनस नहीं होगा, है ना, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, उधार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 19 में आपको 9 को माइनस करना है तो 10 बचेगा, है ना, तो 10 का 0 आएगा यहाँ पर, और फिर से 1 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर 80 हुआ, है ना। 8 था यहाँ पर, हम 1 इसको दे दिए थे तो फिर यहाँ पर 10 हुआ तो 1 फिर आ गया वापस, तो यहाँ पर 8 ही हुआ ना। तो 8 में आप 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, और 1 में 1 को माइनस करोगे तो 0। बाद यहाँ पर दिया गया है सब्ट्रैक्ट विद बोविंग, है ना। यहाँ पर देखिए 4 में आपको 8 को माइनस करना है तो 4 में 4 तो ग्रेटर है तो छोटा नंबर में बड़ा तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैरी ओवर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 14 में आप माइनस करेंगे 8 को, ठीक है, तो यहाँ पर 14 में आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 14 में आप माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 लिखिए। अब यहाँ पर 5 है, है ना, 5 था तो 1 तो हम इसको दे दिए तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा है, क्योंकि हम 5 था 1 तो हम इसको दे दिए तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। तो 4 में आप 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 माइनस 2, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5, तो यहाँ से हम उधार लेंगे, इसको 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में हम 7 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 में हम 1 तो इसको दे दिए तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, तो 2 बचा है ना, तो 1 से ले आओ, यहाँ से 1 ले आओ तो यहाँ पर कितना बच गया, 12 हो गया। तो 12 में 6 को माइनस कर, तो यहाँ पर 12 बचा, तो 12 में 6 गया 6 और यहाँ पर 0। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको 31 में 41 को माइनस करना है तो यहाँ से वो लेना पड़ेगा, है ना। तो लीजिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में आप 4 को माइनस करोगे तो 9 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 है तो 1 तो इसको दे दिए आप तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा है। तो यहाँ से भी 1 और ला लीजिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 × 11, तो 11 में आपको 3 को माइनस करना है ना, तो कितना बचेगा, 8 और यहाँ पर 0। इसी प्रकार से ये जो सारे क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 डिजिट दिया गया है, ठीक है, एट द होलोविंग, ये सबको आपको सॉल्व करना है।